दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसी का आपने थंबनेल देखा होगा, जिसका शायद 34x41 हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन कर रहा हूं और पूरा साइज देख रहे होंगे, पूरा मॉडल आप देख पा रहे हो यही स्क्रीन पर, यही इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका फ्रंट का लेआउट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा, साथ ही साथ जो इंटीरियर है वो भी बहुत ही बेहतरीन देखने वाला है। तो पूरा डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको कार पार्किंग की व्यवस्था, क्योंकि 34 फट यहाँ पर चौड़ा है और 41 फट यहाँ पर लंबा है, तो जगह काफ़ी है, उसके अकॉर्डिंग मकान भी बेहतरीन सा क्रिएट हुआ है और साथ साथ आपको पार्किंग की जगह, आपको गार्डन वगैरह लगाना चाहते हैं उसकी भी जगह आपको मिल जाती है। तो पूरा मॉडल डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपसे गुजारिश जरूर करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप करें और आपसे बात की जाएगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट किया जाएगा, प्लान किया जाएगा। तो अगर आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। तो आज का जो मॉडल है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा देता हूँ, आपको देख पा रहे होंगे, इसको मैं जूम करता हूँ जिससे आपको बेहतरीन से लुक दिखे। ये देखिएगा, इसका ये लुक आप देख पा रहे होंगे, पूरा मॉडल आप देख पा रहे होंगे, आप बाउंड्री वगैरह जो मैंने क्रिएट किया है थोड़ा लुक, और ये पूरा यहाँ ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। तो सबसे पहले मैं इसे ग्राउंड फ्लोर पर ले चलूँगा, तो ग्राउंड फ्लोर पर जैसे लेके आता हूँ तो ये देखिए इसका ग्राउंड फ्लोर है, मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ तो बाउंड्री वगैरह आपको जो इस थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ये गेट वगैरह का टेक्सचर वगैरह ये देखिएगा, बाउंड्री मैक्सिमम जूम पर दोस्तों है इसका। जैसे आप एंट्री करते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं, जैसे आप एंट्री करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर पार्किंग के लिए स्पेस, लगभग 5 से 6 फीट आपको फ्रंट में ये देखिए पार्किंग जो देख रहे हो, 5 से 6 फीट का यहाँ गार्डन स्पेस मिलता है, आप यहाँ भी गार्डन लगा सकते हैं, बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं लॉन्ग टाइप का, ये आपका कार पार्किंग का स्पेस है, या आप इसे हॉल के तरीके से, लिविंग रूम के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मिल जाता है मास्टर बेडरूम, जो कि बहुत ही बड़ा है, जहाँ पर आपको 2 गेट मिलते हैं, एक इधर से और एक अंदर से, साथ साथ 2 विंडो मिलती हैं, एक फ्रंट से और एक साइड से। तो ये मास्टर बेडरूम आपको मिलता है, फिलहाल यहाँ पर मैंने सोफ़ा वगैरह नहीं रखा, ये आप सब आप एडजस्ट कर लें। इसके बाद ये आपको जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो ये आपका एक स्टोर रूम है, ये बड़ा सा आप स्टोर रूम की रिक्वायरमेंट थी, ये स्टोर रूम है और साथ साथ ये आपका पूजा घर है दोस्तों। फ्रंट में सबसे पहले मैंने पूजा घर क्रिएट किया है, ये जैसे विंडो और आपका डोर दिया है, साथ साथ स्टोर रूम है आप, और इसके जस्ट बगल में आपकी स्टेयर से जो कि आप इधर से चढ़ेंगे और ऐसे आकर ऊपर फिर टल्ड हो जाते हैं, तो स्टोर रूम, पूजा घर और आपका स्टेयर हो जाती है, ये मास्टर बेडरूम। साथ साथ दोस्तों ये जो आपको मिल रहा है किचन, आपका बड़ा सा किचन है, बहुत ही बड़ा किचन है, इसका साइज अगर आप देखेंगे, किचन में मैंने डोर और साथ साथ आपका एक विंडो दिया है। पीछे की बात करें तो सबसे पीछे आपको एक मिल जाता है एक बेडरूम और एक ही बेडरूम, जो कि बहुत ही बड़े हैं, और ये आपका लेटरिन बाथरूम एक कंबाइंड है और एक दोस्तों स्पेशल है, आप इस रूम और इस रूम के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे रूम से होकर जाना पड़ेगा जो पीछे आप देख रहे होंगे। और वेंटिलेशन ये दोस्तों यहाँ पर जो आपका बीच में लिविंग रूम, यहाँ पर आप छत पर अपना जाल लगवा लें जिससे पूरे घर में प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा इसी एक ही जाल से। तो ये पूरा आपको यहाँ पर 3 बेडरूम मिलते हैं, साथ साथ लेटरिन बाथरूम, किचन और आपका स्टोर रूम और पूजा घर, स्टेयर्स और कार पार्किंग की व्यवस्था, जो कि आपको 34x41 में आपका हाउस प्लान हो जाता है। तो जूम करके आप देख पा रहे होंगे गेट वगैरह, ये आपका स्लोप है जहाँ से आपका 4 व्हीलर वगैरह ऊपर जाएगा। तो ये तो इसका ग्राउंड फ्लोर, अगर फर्स्ट फ्लोर की बात करें दोस्तों, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, मैं जूम इन करके पहले दिखाता हूँ, ये आपका पूरा डिज़ाइन देखने को आपको मिल रहा होगा। अगर आप जूम करते हैं इसको तो आप ये रेलिंग वगैरह इसका देखिएगा, टेक्सचर वगैरह देख पा रहे होंगे, इसका रेलिंग है जो आप देख पा रहे होगे, ये चारों तरफ बहुत ही सिंपल रेलिंग डिज़ाइन किया है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया है। और ये पूरा आपका फर्स्ट फ्लोर है जिसमें आपका 4 फिट अप्रॉक्स चारों तरफ बाउंड्री और फ्रंट में रेलिंग, साथ साथ ये आपका जो दिख रहा है, ये आपका जो स्टेयर्स आया है ढकने के लिए, गुमटी है बरसात में आपका पानी वगैरह ना जाए। तो ये पूरा 34x41 का हाउस प्लान है विद फ्रंट, इसका बहुत ही अच्छा आपको देखने में भी लग रहा होगा, वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और 34x40 में आपको 3 बेडरूम, लेटरिन बाथरूम, स्टोर रूम, पूजा घर, कार पार्किंग वगैरह सारी व्यवस्थाएँ मिल जाती हैं।
तो ये मॉडल आपको जैसा भी लगा हो हमें कमेंट जरूर करें। अगर आप कोई मॉडल बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का यूज कर सकते हैं, जिसका नंबर वो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है, व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट करें, आपसे बात की जाएगी, आपको प्राइस वगैरह सब बता दिया जाएगा और आपका 2D 3D मैप बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।